सही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं सीएस टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो सभी मैकबुक यूजर्स को आती ही आती है। और अगर आप फ्यूचर में मैकबुक परचेज करने सोच रहे हो या कोई भी मैक डिवाइस परचेज करने सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मत जाना। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को देख के स्टार्ट करते हैं। This video is sponsored by Clean My Mac. Check description for more information. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Clean My Mac के बारे में। Clean My Mac क्या है, आपका usage का worth है ये लेना या नहीं है, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि इसके कुछ highlights, pros and cons. So guys, बात कर लेते हैं Clean My Mac basically है क्या। So guys, Clean My Mac एक software है जिसकी help से जो है आप अपनी RAM clean कर सकते हो, आप अपनी extra storage जितनी भी आपके laptop में है और आप उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि कुछ उसकी app के leftovers बच गए हैं, कुछ इस तरह चीजें बची हैं, तो आप जो उसे remove कर सकते हो। उसके अलावा अपनी स्टोरेज स्कैन कर सकते हो मेलवेयर के लिए, अगर आपको मेलवेयर है तो मेलवेयर वाली फाइल्स रिमूव कर सकते हो। और मुझे पता भी नहीं था यार, क्रोम की एक एक्सटेंशन मैंने डाली थी उसमें मेलवेयर था। मैं क्लीन माय मैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जो है आप अपना ऐप लेफ्टओवर रैम क्लीन कर सकते हो। उसके अलावा जो कुछ ऐसी फाइल्स है जिनको आपको सेंसिटिवली डिलीट करना है जिससे वो रिट्रीव ना हो सके, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ इसमें आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस खुलता है जैसे आप आपको लॉन्च करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको एक स्कैन का बटन मिल रहा है, जैसे आप स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही जितना भी है आपके सिस्टम है उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। ऐप लेफ्टओवर्स के लिए, मेल अटैचमेंट्स के लिए, अगर आपको पता नहीं है कि आई क्लाउड मेल जो है वो काफी ज्यादा स्टोरेज जो है आपकी यूज करती रहती है, इसकी वजह से जो आपका लैपटॉप है वो एक बहुत अच्छी सी वार्निंग देता है कि आपकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, करीब पैसे क्लीन कर लें। तो ये जो है आपको जितनी भी लेफ्ट ओवर फाइल्स या जो आपने फाइल्स काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी हैं वो आपको दिखा देगी, और जो यूजलेस फाइल्स होंगी वो ये डिलीट कर देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फालतू में आपकी फाइल पर्सनल फाइल डिलीट हो जाएगी, बट ये जितनी भी एक्स्ट्रा कैशे फाइल्स होती हैं, मेल अटैचमेंट्स होती है, गैरेज पैंड की होती हैं, तो वो ये अपने हिसाब से जो है वो डिलीट कर देती है। और उसी के साथ साथ ये आपको बताई थी कि आपका ट्रैश इतना भरा है तो आप ट्रैश एक बार वेरीफाई कर लो कि ट्रैश में कोई ऐसी फाइल तो नहीं है कि जो आपको चाहिए, और उसके बाद आप ट्रैश भी क्लीन कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो इसका मेलवेयर स्कैनिंग फीचर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यार उसमें मेलवेयर स्कैनिंग में एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जितने भी आपके फोल्डर्स हैं उसके साथ साथ जैसे आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई, एक्सटर्नल SSD लगाई, तो उससे को भी वो स्कैन करता है और उसमें आपको जो है काफ़ी अच्छी एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ इसमें जो है आपको ईमेल अटैचमेंट्स को क्लीन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एक मैक यूज़र हो और ईमेल अटैचमेंट्स आपको अराउंड 10 से 12 GB तक जो है आपका स्पेस ले लेती हैं तो वो भी ये क्लीन कर देता है। उसी के साथ साथ मेलवेयर रिमूवल जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक सेफ डिलीट का ऑप्शन मिलता है जिसकी हेल्प से जो है आप अपना जो भी कोई सेंसिटिव डाटा है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और आप उसे डिलीट कर रहे हो, तो अगर नॉर्मली डिलीट करोगे वो रिट्रीव किए जा सकते हैं, बट अगर आप जो है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे एक डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप इसे डिलीट करते हो तो उसे रिट्रीव करने का कोई चांस नहीं रहता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो है इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप उसे फ्री वर्जन को ट्राई कर सकते हो। उसमें बाकी स्पेस वगैरह का सब मिलता है, उसमें मेलवेयर स्कैन नहीं मिलता और ये डिलीशन वाला फीचर नहीं मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो। और बात कर लेते हैं कुछ इसके दिक्कतों की, तो इसकी दिक्कत मुझे जो लगी वो ये लगी कि कभी ना कभी ये ज़्यादा टाइम लेता है थोड़ा स्कैन करने के लिए, क्योंकि 1 TB SSD को इसने अराउंड 20-25 मिनट लिए थे, तो कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लगे कि टाइम ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली ये एक कौन आपके लिए हो सकता है। सो गाइज, आशा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सुधांशु, मिलता हूँ यार एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।